हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अभी ये जो वीडियो है 14 सितंबर की है, जब घर से बच्चे और सासू माँ लोग आए थे। आज हम लोग जा रहे हैं पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने, और हम लोग ऑटो से आ गए क्योंकि गाड़ी कहीं गई थी, देवर लेकर गए थे और उनको आने में लेट हो जाएगा, सो हम लोग ऑटो से आ गए और ऑटो वाले ने हमें गलत रास्ते पर उतार दिया। हमने उससे बोला था कि जहाँ से मंदिर नज़दीक पड़े उस रास्ते से ले चलना, वो मैदागिन के रास्ते हम लोग को उतार दिया और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर हम लोग को पैदल चलना पड़ा, जबकि गोदवलिया से मात्र 5 मिनट के रास्ते पे ये मंदिर है। सो अभी हम लोग जा रहे हैं, बच्चे थक गए थे चलते चलते। अभी हम लोग मंदिर के गेट तक पहुँच चुके हैं और मंदिर अभी अंदर गली में है, और हम लोग यहाँ से अभी प्रसाद ले रहे हैं और हमारे पास जो भी बैग है, मोबाइल है, सब कुछ यहाँ जमा कर देंगे क्योंकि अंदर ये इसको ले जाना अलाउ नहीं है मंदिर में। बस हम प्रसाद और हमारा एक जो छोटा पर्स है वही लेकर जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, हम लोग दर्शन करके आ गए हैं, दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। जैसे हम लोग वहाँ से निकले बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, हम लोग समय से दर्शन कर लिए। और अभी देखिए पीछे देवर भी आ चुके हैं गाड़ी लेकर, और ये लोग अंदर नहीं गए क्योंकि ये लोग अब अंदर जाते तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती। और यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं, और इधर से दर्शन करने के बाद हम लोग गोदवलिया जाएंगे, और यहाँ से गोदवलिया मात्र 5 मिनट के रास्ते पे है। और हम लोग सोचा चलो थोड़ा सा गोदवलिया की मार्केट घूम लिया जाए, और वहीं पर दशाश्वमेध घाट है, थोड़ा सा उसको भी देख लेंगे। कल हम लोग 80 घाट गए थे, बस आज यहाँ का दर्शन करेंगे। अभी हम लोग गोदवलिया मार्केट में पहुँच चुके हैं और अंधेरा हो चुका है, और यहाँ का नज़ारा देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है। चारों तरफ लाइट जल रही है और रोड के दोनों साइड जो है शॉप्स हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे सामान मिल रहे हैं। यहाँ देखिए ये ईयरिंग्स हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे कलेक्शन थे इनके पास, और मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऐसे भी दूंगी। किनारे किनारे यहाँ पर्स है, ये बनारसी कपड़ों के, और काफ़ी अच्छा था सब कुछ। अभी हम लोग मार्केट से बाहर आ चुके हैं और घाट के नज़दीक हैं, और इस यहाँ पे दोनों साइड पे पूजा पाठ से रिलेटेड सारी चीज़ें मिल रही थी, बर्तन हो या मूर्तियाँ हो, ये देख सकते हैं पूजा की डलिया काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत है, और गंगा जल भरने के लिए सब जो है गैलन है, और ये पूजा पाठ का सारा। एंड फाइनली अभी हम लोग घाट पर पहुँच चुके हैं और देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और इस घाट की जो है गंगा आरती काफ़ी फेमस है, और इसी को देखने के लिए लोग इतने ज़्यादा भीड़ में आते हैं। और आगे देख सकते हैं जो बोट है, बोट पे लोग बैठे हुए हैं ताकि सामने से आरती देख सकें, और हम लोग यहाँ आ चुके हैं और बहुत ज़्यादा देर तक हम लोग नहीं रहे थे और हम लोगों ने आरती भी नहीं देखी कल की, क्योंकि हमने 80 घाट पे आरती देखी थी और आरती देखते तो ज़्यादा हमें लेट हो जाता, तो बस हम लोग ऐसे आए थोड़ा सा घूमे फिरे और गंगा जल ले यहाँ से लिया, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लो देखिए थक चुका है चलते चलते, दादी के पास अपने बैठा हुआ है, और काफ़ी बच्चों को आज पैदल चलना पड़ा, उधर भी चले मंदिर के जाने में और इधर भी हम लोग पैदल ही चले हैं। और ये देखिए बोट लगी हुई हैं और पानी की लहर खड़ी है, बोट फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, और लोग नाव में बैठ के आरती का आनंद लेने के लिए तैयार हैं। अभी थोड़ी देर में आरती स्टार्ट होगी। और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घाट से, और मार्केट होते हुए यहाँ से हमने 2-4 चीज़ें परचेज की हैं। ये श्रेया ने ये वाला बैग लिया है, और उसके बाद ये वाला 2 बैग हमने लिया है क्योंकि ये बहुत यूज़फुल होता है, काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाता है और कैरी करने के लिए भी बहुत ईजी होता है। और ये देख सकते हैं सारे लेगी कुर्ती सारी चीज़ें मिल रही थी। अभी रात के 8:30 बज चुके हैं और हमें भूख लगी है और घर जाके खाना बनाने की हिम्मत नहीं है, सो हम लोग ने सोचा चलो इधर से खाना खा के चलते हैं। तो एकदम चौराहे पे ही ये होटल था जिस लव बनारसी, ऊपर कुछ और नाम है लेकिन लव के नाम पे सब लोग चलो लव का होटल है इसमें खाना खाते हैं। और ये देखिए कैसे जा रहा है, काफ़ी खुश हो गया कि मेरे नाम से ये होटल है।
अभी हम लोग ऊपर आ चुके हैं, सब लोग बैठे हुए हैं और मेन्यू देख रहे हैं कि क्या ऑर्डर करना है। उधर मम्मी जी बैठी हैं और नंद है, ये देवर है, यही मेन्यू देख रहे हैं। हमने बोला कि आप ही ऑर्डर कर दीजिए अपने हिसाब से। श्रेया और लो इधर हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए मेरी वॉच, ये वॉच मुझे कंपनी की तरफ से गिफ्ट में आई हुई है और काफ़ी अच्छी है। आज ही मैंने इसको पहली बार पहना है। इसमें सब कुछ बताएगा आप कितनी कैलरी आपने बर्न किया है, कितने स्टेप्स चले हैं, सब कुछ है। और फाइनली अभी हमारा खाना आ गया है, ये है पनीर मक्खनी और एक पनीर 65 और तंदूरी रोटी, यही सब हमने ऑर्डर किया। और खाना वाना खा के फिर हम घर जाएंगे और आराम से सोएंगे क्योंकि कोई टेंशन नहीं है। और हस्बैंड ना मेरे नहीं आए हैं, वो घर पे हैं, तो उनका खाना हम यहाँ से पैक करा के ले जाएंगे। अभी हम लोग का खाना पीना हो चुका है, टाइम जो है 9 बजे से अधिक हो चुका है और थैंक्स गॉड कि हमें घर जाके खाना नहीं बनाना है, जाके आराम करना है। अभी फाइनली हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं घर जाने के लिए और रास्ते का व्यू है, चारों तरफ लाइट जल रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और रात के लगभग 9:30 बज रहे हैं, फिर भी रोड पे देखिए अभी यहाँ के लिए तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो रात भर रोड चलती रहती है। और लोगों को नींद आ रही है इसलिए दादी की गोदी में लेटा हुआ है और गाड़ी में सो भी जाएगा घर जाते जाते। तो फ्रेंड्स ये रही आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ये है बनारस का कैंट स्टेशन, देखिए काफ़ी खूबसूरत लग रहा है रात के टाइम जो लाइट जल रही है इसमें।